हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60 बाई 30 फीट जो आपके रो हाउसिंग प्लॉट होते हैं किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। ये आपके रो हाउसिंग प्लॉट है तो जैसे इक्वल डिजाइन करने हैं तो किस तरीके से हम इक्वल डिजाइन कर सकते हैं। मान लो आपका 30 बाई 30 फीट का एक प्लॉट है, यहाँ पे 30 बाई 30 फीट का एक प्लॉट है और इकट्ठा आपको डिजाइन करना है तो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो आप देखेंगे यहाँ पे मेन गेट दिया गया है, दोनों ही एक जैसे हैं तो एक से ही आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपका मेन एंट्री है लोबी में, जो 16 फीट 10 इंचेस बाई 8 फीट हाफ 1.5 इंचेस की आपकी लोबी का प्रोविजन है यहाँ पे। यहाँ पे डाइनिंग एरिया बनाया गया और यहीं से आपका स्टेयर्स है जो साउथ डायरेक्शन से स्टेयर अकॉर्डिंग टू वास्तु आपका दिया गया है। साउथ ईस्ट में आपका किचन का प्रोविजन है 6 फीट बाई 10 फीट का, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू वास्तु है। अकॉर्डिंग टू वास्तु साउथ ईस्ट इज बेस्ट फॉर किचन। एंड सबसे मेन चीज जो होता है वो आपका मास्टर बेडरूम होता है, वो अकॉर्डिंग टू वास्तु साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए, जो 12 फीट बाई 10 फीट का सबसे मेन चीज आपका किचन एंड मास्टर बेडरूम एंड आपका स्टेयर्स यहाँ पे आता है। यहाँ पे फिर एक बेडरूम दिया गया है जो 10 फीट 4.5 इंचेस बाई 10 फीट का है और यहाँ पे पूजा रूम का प्रोविजन है 5 फीट बाई 10 फीट का पूजा रूम है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, बेस्ट प्लेस फॉर पूजा रूम अकॉर्डिंग टू वास्तु। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट दी गई है 6 फीट बाई 8 फीट की, यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक रियर ओपनिंग है वेंटिलेशन के लिए, सेम यहाँ पे है। और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो आप देख पाएंगे जैसे ही आप यहाँ से एंट्री लेते हैं सेम डाइनिंग रूम लॉबी मास्टर बेडरूम किचन पूजा रूम बेडरूम टॉयलेट एंड बालकनी यहाँ पे छोड़ी गई है। एज इट इज पोर्शन आपको ऊपर बनाया गया, आप देख सकते हैं जैसे 3D में एज इट इज ऑप्शन आपका ऊपर की तरफ बनाया गया और आप डिजाइनिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं या फिर एज इट इज आप रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।